राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आलाकमान ने इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों को साधा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पार्टी नेतृत्व ने बसपा से कांग्रेस में आए उन विधायकों को भी टिकट दिया है जिन्होंने गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था। गुरुवार को जारी कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में गहलोत और पायलट कैंप के नेताओं को बंपर टिकट मिले हैं। पायलट समर्थक बांदीकुई से गजराज खटाड़ा और देवली उनियारा से हरीश मीणा को टिकट दिया गया है, जबकि लिस्ट में बाकी नाम गहलोत कैंप के हैं। सीएम गहलोत बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए दो विधायकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए हैं। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने नगर विधानसभा सीट से वाजिब अली और करौली सीट से लाखन सिंह मीणा को टिकट दिया है। ये दोनों विधायक बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि राजस्थान में साल 2019 में बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सीएम गहलोत ने तब कहा था कि उन्होंने यह फैसला राज्य हित में लिया है। दरअसल साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 200 में से 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। आगे चलकर एक उपचुनाव में एक और सीट कांग्रेस के खाते में आई। ऐसे में बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर गहलोत ने राज्य में बहुमत की सरकार बनाई थी। सीएम गहलोत ने इन 6 में से अब तक 2 विधायकों को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने इन विधायकों को तब संकट मोचक कहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इन विधायकों को आलाकमान ने सीएम गहलोत के कहने पर ही टिकट दिया है। गौरतलब है कि राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने अब तक 3 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43 और तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस तरह पार्टी ने अब तक कुल 95 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।